संडे वीडियो में आप सभी का वेलकम है फिर से, और लगातार संडे वीडियो को हम लोगों के संडे वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है फ्लैशबैक, इस हफ्ते का पूरा फ्लैशबैक, फेस्टिवल का फ्लैशबैक हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हफ्ते की नई शुरुआत में हम लोगों ने पहले रक्षाबंधन पुलिस स्टेशन में जाके सेलिब्रेट किया, और फिर वापस आते ही हम लोगों ने बच्चों के साथ सेंटर पे सेलिब्रेट किया, और बच्चे भी बड़े खुश थे हम लोगों को राखी बांधकर। रोहित तुम जगत भैया हो क्या? बाप रे, इतनी राखियां? तो ये रक्षाबंधन आज ये बच्चे खुद से हम लोगों के बीच में है, एक भावना जो हम लोगों के बीच में है। एक सर की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल बनकर काम नहीं करते हम लोग, आज इन बच्चों ने साबित कर दिया है। ये बच्चे हमारे बीच में आज मौजूद है। अरे रुलाएगी का पगली। चलो काजल तुम बताओ। बस यही है, एक अफेक्शन है, एक अपनापन है, तो हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ समय बिताने में, और इन बच्चे हम लोग को भाई मानते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत इंतजार करते रहते हैं कि हाँ भैया लोग आएंगे तो हम उनको राखी बांधेंगे। तो आज नशरा ने भी हमको राखी बांधी, और बहुत ज़्यादा खुशी है कि टीम में नशरा जैसी बहन है हम लोग, और साथ में ये जैनी, इसको हम लोग जैनी पकड़िया भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आती है और बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, और बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। फेस्टिवल आता है, खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन इस बार इस कोविड ने सारी खुशियों को तार तार कर दिया, लेकिन इस खुशियों के रंग में भी हमने इस त्यौहार को मनाया और काफ़ी अच्छे से मनाया। ठीक है अम्मा, अरे ठीक है। बूस्ट विद हैप्पीनेस के तहत हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी में बुजुर्ग लोगों को बेडशीट प्रोवाइड की, और बुजुर्ग लोग बड़े ही खुश थे, और कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई पूछता नहीं है, उनको भी महसूस हुआ कि इस त्यौहार पे हमारे लिए भी कोई कुछ कर सकता है। दो दे दो दादा को, दे ले लो दादा। चादर है लो दादा। हम लोगों के पास फ़ोन आई एक वृद्धाश्रम से, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। वहाँ पर ज़रूरत थी कि हम उनको वहाँ पर वाटर बॉटल्स प्रोवाइड करें, तो हम लोगों ने किसी तरह से अरेंज किया और वहाँ तक पहुँचाया भी, और काफ़ी अच्छा रहा ये हम लोगों के लिए। और जैसा कि बूस्ट फॉर हैप्पीनेस जो हम लोग एक कैंपेन या प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, उसके तहत इस त्यौहार भरे मौसम में तरह तरह के त्यौहारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना पाउडर लगाई है वो? हाँ कितना पाउडर लगाई है वो भी लगा। बूस्ट विथ हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाए जो कि बच्चों को बहुत पसंद आए, और इसी चीज़ को देखते हुए ये बनाए गए कि बच्चों के लिए कुछ फेवरेट बना सके उनका, और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी, जिसमें हम लोग ने वर्म सिली बनाया। ये जो भी सिली चीज़ है इसको हम लोग बनाए। वेरी सिली, क्या नाम है इसका? वर्म सिली। वेरी सिली, वर्म सिली, भाई कुछ भी खिला दो, भाई कुछ भी खिला दो, खा लेंगे। और
बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। हेलो, तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? वन चिली। और वो जो भी सिली सा नाम है, वन चिली। कुछ पर चिली कुछ बता रहे थे ना, तो क्यों इधर देख के बोलना है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो ये हमने वन चिली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत बन जाता है। कैसे सिली? क्या वार्म सिली? वार्म मतलब गर्म, और सिली मतलब बहुत ही गर्म गर्म। त्यौहार और नए कपड़ों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए बूस्ट विद हैप्पीनेस के तहत हमने अपने बच्चों को नए कपड़े प्रदान किए। मुझे तो पता ही नहीं था इतना अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, और जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आखिरी बार पता नहीं कब कपड़ा खरीदा था, मुझे तो याद भी नहीं। इसी दौरान बूस्ट विद हैप्पीनेस के तहत कुछ ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आई जो एकदम हमारा दिल गला देने वाली थी, जिसमें सरस्वती की बच्ची की एक कहानी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो और भी कई ऐसे परिवारों के बीच में जाना हुआ, इस तरीके की कहानियों को सामने लेकर के आए जिससे हम उनकी मदद कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो त्यौहार का मेन मकसद है, उद्देश्य है खुशियाँ बांटना, वो चीज़ पूरी हो पा रही है। बूस्ट विद हैप्पीनेस के तहत हम लोगों ने जो एक कैंपेन बनाई थी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, हम लोगों ने इस कैंपेन के दौरान हम लोगों ने कई सारे लोगों को हम लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पर डे 600 लोगों का खाना बना रहे हैं और लोगों के बीच में हम लोग दे रहे हैं। होप करते हैं आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस तरीके से हेल्प कर पाए लोगों को। कुछ खाया हो सुबह से? ले लो और दे दे। काम है ये, पुण्य का काम है, भगवान के तुमको मिलेगा, वही मिलेगा। भगवान को खिलाएंगे तो आपको मिलेगा, दूसरों को खिलाएंगे तो फिर मिलेगा। हाँ भाई, कही ये पुण्य का काम है भैया, खा लेना पेट भर के। ये लगातार तब हम लोगों ने राशन बांटा, सब्जी सब कुछ बांटा ना। तो ले रहे हो कि नहीं? हाँ राशन पाए रहो? हाँ पा रहे, हिंदू का बोली घर के काम नहीं कर पा रहे, को जब मारे जाते पुलिस को मार रहा है। अच्छा हाँ, अब तो वो था तो चल रहा है। हाँ हाँ चल रहा है। अरे कौन दिन का फिर बैठ जाते लग जाए तो आपका तो क्या काम करे, मजदूरी? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, और ले जाएगा तो ले लो अभी। हैं और लेना ले लो, दे दो यार, सब्जी डाल दो और, है ना, और रोटी वोटी बनाएंगे तो अम्मा खा लेंगे। क्या अम्मा ताजा ताजा है? ठीक हम लोग कहाँ कहाँ सब राशन ले गए भाई, यहाँ तो नहीं दिया, तो ला रहा और ला तो खा में झूठा बोले, सब कोई लगा हम गई। ठीक अम्मा, हाँ ले लो बेटा, खत्म उठाओ उठाओ उठाओ। आज अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। अगर रात में सोते हैं तो बस ये सोच कर सोते हैं कि एक हमारा परिवार है 400-500 बच्चों का, उनके लिए कुछ करना है, कर गुजरना है और करने की कोशिश करते हैं। कोई यदि हमसे पूछे, हमारी टीम से पूछे कि आपकी अभी तक की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो जो भी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हमारे ये बच्चे हैं, और भरपूर अगर उनका साथ मिल रहा है तो शायद हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई है ही नहीं।